हेलो बच्चों, कैसे हो? तुम्हारी केमिस्ट्री की नौका होगी पार, रफ़ी सर पे कर लो एतबार। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप 100 रिएक्शन को रटने से बच जाएंगे, राइट? एक कंसेप्ट या एक ट्रिक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 12th की चैप्टर है, राइट, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस, ये चारों चैप्टर में ये आपको रिएक्शन मिलेंगे। और उन चारों को मैंने क्या क्या क्लब किया हुआ है कि बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप 100 रिएक्शन को रटने से बच जाएंगे। तो अपना मोटो पहले क्लियर है, हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? तो इलेक्ट्रोफाइल को प्यार से मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर है ये, राइट? और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पे खुद कौन सा चार्ज होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव, राइट? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, डेट मीन्स नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा, तो डेफिनेटली उस पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रिपेल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा हम प्यार से क्या बोलेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्या है ये आपका? इलेक्ट्रॉन पुअर पर्सन है, इस पे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए वो वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ऑलरेडी मैं रेजोनेंस में बता रखा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस एम ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या माइनस एम ग्रुप को कैसे पहचानेंगे। तो उसको फिर से हमने यहाँ पे रिकनेक्ट किया है कि बेंजीन रिंग पे कोई एलिमेंट है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई एलिमेंट अटैच है और उसके पास लोन पेयर है, तो वो प्लस एम शो करेगा। प्लस एम शो करने की वजह से क्या होगा? तो ध्यान से देखो, उसकी वजह से आपका कहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कहाँ पे पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कहाँ पे फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, राइट? तो उसी चीज़ को हमने दिखाया है कि जिस कार्बन पे एलिमेंट आपका लगा हुआ, अगर उस कार्बन को वन बोलूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो बेंजीन रिंग में 2 और 6 जो पोजीशन है, दिस वन एंड दिस वन, ये एक ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, राइट? जो फोर्थ पोजीशन जो ग्रुप के एग्जैक्टली अपोजिट है उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं, और जो ये 3 5 है उसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि कभी भी प्लस एम ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ, तो वो निगेटिव चार्ज कहाँ पे लेके आ रहा है? ऑर्थो पे या पैरा पे, डैट मीन्स 2.6 पे या 4 पे, राइट? 2 4 6 पे लेके आ रहा है, इवन नंबर 2 4 6, ओके? नाउ अगर माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो ध्यान से देखो, उसके लिए क्या ट्रिक बताया था कि बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप अटैच है और वो ग्रुप के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? आउट ऑफ द रिंग होगा। उसकी वजह से ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इस केस में ऑर्थो पोजिशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर से ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है। तो आप खुद ही सोचो, क्यों? क्योंकि आप में सोचने की क्षमता है कि अगर ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, रिपेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? तो मेटा पोजिशन पे आएगा। कहाँ पे आएगा? मेटा पोजिशन। इसलिए वी कैन से माइनस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग फॉर वॉट? इलेक्ट्रोफाइल। एंड सिमिलरली वी कैन से प्लस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर वॉट? इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे एक कंसेप्ट और 100 रिएक्शन की बात मैं कर रहा था। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट किया है कि आपको जब भी प्लस एम ग्रुप मिले, राइट, डैट मीन्स प्लस एम ग्रुप, कैसे अभी बताया था कि बेंजीन रिंग पे कोई एलिमेंट डायरेक्टली अटैच है, उसके पास लोन पेयर है, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप है तो वो भी हाइपर कंजुगेशन की वजह से एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, राइट? तो ये सब कहाँ पे लाएंगे? ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे या फिर
पैरा पोजीशन पे लेकर के आएंगे, राइट, आइदर ऑर्थो या पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको ये सारी रिएक्शन में पहचानना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लेना है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया, एक बार इलेक्ट्रोफाइल आपको पहचान में आ गया, तो ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर देंगे। तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे कहीं पे भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी X2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन Fe डार्क आ जाए लिख करके, X2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क ऐसे, या X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, सूखा हुआ, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आइदर डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाए, ध्यान से देखो Fe डी ब्लॉक का है, या डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड आ जाए जैसे FeCl3, या फिर 13 ग्रुप डेट इज बोरॉन एल्युमिनियम वो वाले ग्रुप के अगर एलिमेंट आ जाए या उसका कंपाउंड आ जाए, तो उन सब केस में क्या करेगा, वो हेलोजन को खींच लेगा अपनी तरफ और आपको क्या जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान से देखो यहाँ पे X2 का मतलब क्या, आइदर क्लोरीन लो, तो क्लोरीन में ClCl बॉन्ड है, एक क्लोरीन आयरन लेके जाएगा और एक क्लोरीन पे क्या जाएगा प्लस, तो आपको क्या मिल जाएंगे, आइदर Cl+ मिल जाएंगे या फिर Br+ मिल जाएंगे। फ्लोरीन चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ये रिएक्शन नहीं कराते हैं, और आयोडीन वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है इसलिए उसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या HIO4 यूज करना पड़ेगा तब जाकर के बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन जनरली हम क्लोरीन या ब्रोमीन के केस में कराते हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हेलोजन ऐड हो रहा है तो हेलोजिनेशन। कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो आपको मालूम ही है कि जब प्लस क्रिएट हो गया तो कहाँ पे आएगा, एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा आपका, राइट। तो ये जो भी एलिमेंट है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आ जाएगा, और एक बार किस पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, राइट। यहाँ पे मेजर कौन होंगे, तो ये वाले, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप है वो दूर दूर होंगे, रिपल्सन कम होगा, तो ये मेजर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, माइनर होगा, समझ गए। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमको ये सारी रिएक्शन में लगा देना है, कहीं पे भी एल्काइल हैलाइड आ जाए RX लाइक CH3X CH3 CH2X को भी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो फिर से क्या गया, 13 ग्रुप के एलिमेंट के कंपाउंड AlCl3 अगेन एनहाइड्रस होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, या फिर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आ जाए, या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड आ जाए लाइक ZnCl2 या FeCl3 इस टाइप से जो भी होगा, तो क्या करेगा ये हेलोजन को आपका बाहर कर लेगा X, और आपको क्या मिलेंगे, R+ डेट इज कार्बोकैटायन मिल जाएगा आपको। और चूंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे इसलिए इसको बोलेंगे एल्काइलेशन, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन। और जो साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था फ्राइडल क्राफ्ट, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो नेम रिएक्शन भी आपको याद होते जा रहा है, क्या करना है, आर को वैसे ही ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ देना, राइट। तो ये जो भी एलिमेंट होंगे इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे आर आ जाएगा एंड पैरा पोजिशन पे आपका आर आ जाएगा, अगेन मेजर ये वाले रहेंगे, राइट। और ये एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन OH अल्कोहल ईथर OR कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये सब के सब एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, राइट। सिमिलरली तीसरा पॉइंट देखो, तो मैंने क्या लिया है, असाइल ग्रुप लिया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Z लिखा है, Z की जगह X आ जाए तो एसिड क्लोराइड हो गया असाइल ग्रुप, OR आ जाए तो आपका एस्टर आ गया, OCOR आ जाए तो एनहाइड्राइड हो गया। तो इस टाइप का कोई भी रहे तो अगेन आपका 13 ग्रुप वाला एलिमेंट, जहाँ भी आपको 13 ग्रुप वाला एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट देखे, तो वो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करता है, और अगेन वो क्या करेगा, यहाँ पे जेड को खींच लेगा, जेड को खींच लेगा तो बचा क्या आपके पास, RCO+ एसाइल ग्रुप आपका बच गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन पे प्लस है, तो अगेन क्या होगा, तो सेम वही प्रोसीजर आपको अपनाना है, राइट। यहाँ पे आपका एलिमेंट यहाँ पे सी पे प्लस है इसलिए सी कार्बन से अटैच होगा, और यहाँ पे आर, तो एक ये ग्रुप मिलेंगे, और एक और क्या मिलेगा आपको, तो ये एलिमेंट जो भी होंगे, और पैरा पे सी डबल बॉन्ड ओ आर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, असाइलेशन, इसको क्या बोलेंगे, असाइल ग्रुप आ गया, इतने पार्ट को असाइल बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगेन ये मेजर होंगे और ये आपका माइनर होगा। तो ध्यान से देखो, मैं एक भी रिएक्शन को रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट वेरी सिंपल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए,
या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड दिख जाए, 13 ग्रुप का एलिमेंट दिख जाए या 13 ग्रुप के एलिमेंट के कंपाउंड दिख जाए एनहाइड्रस फॉर्म में, तो वो हैलोजन को क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ध्यान से देखो, हैलोजन या जो भी लिविंग ग्रुप होंगे उसको खींच लेगा और आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे देगा। इसलिए ये सब FeCl3 या AlCl3 ये सब क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, दैट इज़ वेरी सिंपल। एक होता है नाइट्रेशन, अगर बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप लाना है तो नाइट्रेशन, तो इसमें ये नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिड है तो इससे H+ मिलता है जो नाइट्रिक एसिड के OH को वाटर के फॉर्म में बाहर कर देगा और क्या जनरेट करेगा, NO2+, राइट। तो यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है एक तरह से, और यहाँ पे है तो ये एसिड लेकिन एक तरीके से बेस का काम कर रहा है, क्योंकि इसका H+ इसके OH नाइट्रिक एसिड में जो OH है उस पर अटैक करके वाटर को बाहर कर रहा है और NO2+ आपको क्रिएट हो गया, डेट इज इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो आपको मालूम ही है फिर क्या करना है, तो फिर आपको मालूम ही है कि हमें क्या करना है, एक बार NO2 ऑर्थो पे लगा देना है और एक बार NO2 आपको पैरा पे लगा देना। तो ये हो गया नाइट्रेशन। वैसे ही अगर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो आपको SO3H+ मिलेगा, राइट। दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर निकाल देंगे तो ये मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो अगेन आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार है, क्या करना है आपको, ऑर्थो पे SO3H एंड पैरा पोजीशन पे SO3H, अगेन मेजर ये आपका रहेगा, राइट। अब यहाँ पे माइनर मेजर डिपेंड करेगा, अगर फिनॉल है, फिनॉल के केस में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उस केस में ऑर्थो मेजर हो जाएंगे, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है तो उसका कंसेप्ट क्लियर है, फोन, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहीं पे ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज हर केस में पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ओके। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका फिनॉल वाला है, तो वहाँ पे ऑर्थो मेजर हो जाएगा इस केस में, अदरवाइज ऑलवेज पैरा मेजर रहेंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा, राइट, तो ये आपको मालूम है कि ये कौन से ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो आप खुद ही सोच लो कि इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, राइट, तो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव तो आएगा नहीं क्योंकि सारा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो रिपेल हो जाएंगे, तो कहाँ पर आएगा वो, ऑलवेज मेटा पोजिशन पे। तो इसमें हर केस में आपको क्या कर देना है, जो भी एक्स डबल बॉन्ड वाई लगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लेके आना है, जो भी होगा, अगर एक्स होगा तो एक्स लेके आएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो लेकर के आपको आ जाना है, राइट। तो इस केस में आपका आर यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में आपका सी डबल बॉन्ड ओ आर सब मेटा पोजीशन पे आ जाएंगे क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग होंगे, इस कंडीशन में आपका NO2 मेटा पोजिशन पर आ जाएगा और इस कंडीशन में आपका SO3H मेटा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गए, ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग हो गए, जिसमें ऑलवेज पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहीं पे ऑर्थो मेजर होगा, अदरवाइज ऑलवेज पैरा मेजर होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जस्ट एक रिकैप करा रहा हूँ कि इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन है, इसलिए मैंने लिखा है 1 concept 100 रिएक्शन, इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन है उसमें सबसे पहला काम है आपका इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना, इलेक्ट्रोफाइल पहचान गए, अगर प्लस एम ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे लगाना है, माइनस एम ग्रुप है तो मेटा पे लगाना है। ऑर्थो पैरा में मेजर कौन, तो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ऑर्थो माइनर होगा, कब ऑर्थो मेजर होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कैसे पता लगेगा, अगर हाइड्रोजन फोन से अटैच है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच है तो। नाउ कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो सबके लिए जो कैटलिस्ट है आपका वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर 13 ग्रुप का एलिमेंट है या उसके कंपाउंड है, और इलेक्ट्रोफाइल एक बार पहचान गए तो आपका प्रोडक्ट भी क्लियर हो चुका है। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात में यह है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराओगे, ध्यान दो, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, बहुत कम अमाउंट में, तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स एक आपको क्या मिल जाएगा,
क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल एन ओ टू प्लस, तो एक ऑर्थो पे आ जाएंगे एन ओ टू और एक पैरा पोजिशन पे आपका आ जाएगा एन ओ टू। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर होगा और यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर होगा, यहाँ पे इंटर और यहाँ पे इंट्रा, तो इसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट भी हो जाएंगे ऑर्थो वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। और इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटर हो रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो ये ईजिली सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तो इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट क्या है कि अगर फिनॉल होंगे डायलूट नाइट्रिक एसिड है तो एक एक ही एन ओ टू लाना है एट ए टाइम, और अगर वही चीज़ को कंसंट्रेटेड अगर उसने कर दिया डैट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऐसे केस में आपका एन ओ टू हर एक पोजिशन पर आ जाएगा, डैट मीन्स ऑर्थो पे भी आ जाएगा, पैरा पे भी आ जाएगा एंड ऑर्थो पे भी आ जाएगा। बाय द वे इस प्रोडक्ट का यील्ड बहुत कम होता है बट ये आ जाएंगे, और इसका एक स्पेशल नेम है, कॉमन नेम डैट इज पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो इस टाइप से तो नहीं बनाते, बनाते कैसे हैं, पहले इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है आपका H2SO4 से रिएक्शन कराने की वजह से यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको HNO3 से कराते हैं तब जा करके ये, तो यहाँ से यील्ड अच्छा होता है और यहाँ से यील्ड अच्छा नहीं होता है। तो ये ज्ञान की बात में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू कि अगेन फिनॉल की रिएक्शन अगर आपने Br2 से कराया इन प्रेजेंस ऑफ CH2, CH2 मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से CO2 का बड़ा भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कहने का मतलब यहाँ पे CH2 नहीं याद रखना है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वैसे सॉल्वेंट जिसमें पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो फिर अगेन मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, आपको जो इस केस में प्रोडक्ट बनाना है वो एट ए टाइम एक ही सब्स्टिट्यूशन करना है, तो एक Br यहाँ पे आ जाएगा और एक Br आपका यहाँ पे आ जाएगा, और अगेन ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि बिगर ग्रुप एंटी पोजिशन पे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये होगा। लेकिन अगर वही चीज़ पोलर सॉल्वेंट अगर आप ले लिए होते, अगर पोलर सॉल्वेंट अगर आपने ले लिया होता तो फिर सब्स्टिट्यूशन हर एक जगह पे हो जाता, डैट मीन्स ऑर्थो पे भी आ जाता, पैरा पे भी आ जाता और ऑर्थो पे भी आ जाता, डैट मीन्स 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको मिल जाता। तो ध्यान दें कि चेंजेज क्या है, फिनॉल ही है, Br2 ये बस सॉल्वेंट का फर्क है, नॉन पोलर लेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, पोलर ले लोगे तो फिर हर जगह पे आ जाएंगे, जितने भी ऑर्थो पैरा पोजिशन है सब पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर थ्री, अगेन NH2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NH2 डैट मीन्स एनिलीन की अगर रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो नाइट्रेशन तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये जो इसका जो H+ है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्ट कर जाएगा, राइट, और एक्चुअल में ये फिर वैसा नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्चुअल में उस केस में NH3+ में, और ये एक क्या हो गया माइनस आई ग्रुप, तो इसीलिए इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो आपका NH2 ऑर्थो पे एक नाइट्रो होगा, राइट, NH2 पैरा पे नाइट्रो होगा, ये आपका जो कंसेप्चुअल थिंग है उससे ये मेजर होंगे ये माइनर होंगे। लेकिन एक और प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि एक और प्रोडक्ट मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्यों मिला सर, अभी तो आपने बोला ऑर्थो पैरा पे, ये इसलिए मिला क्योंकि ये भी बन चुका है और माइनस आई डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो उसके वजह से ग्रुप कहाँ पे आएंगे मेटा पोजिशन पे। तो ये जो एक पॉइंट है कि ये 51% आपको मिलता है और ये 47%, डैट मीन्स ऑर्थो से बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपने एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर दिया जो नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्ट कर सकता है तो फिर इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस वजह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट उससे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, पैरा तो मेजर है 51%, लेकिन मेटा जो नहीं बनना चाहिए था वो बन गया और 47%, जो कि ऑलमोस्ट पैरा के बराबर है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
अब अगर कोई चाहता है कि सर तो फिर हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही बनाना है तो मैं क्या करूं, या फिर मुझे पैरा मेजर बनाना है तो क्या करो, इसकी रिएक्टिविटी को कम करो वाया रिएक्टिंग विथ अनदर कंपाउंड। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर। तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में आपका नाइट्रोजन के साथ ये अटैच हो गया, इससे अब नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी जा सकता है, जिससे अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब अगर इस पर आप नाइट्रेशन कराओ HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब आपको ऑर्थो एंड पैरा मिलेंगे, जिसमें से मेजर कौन होगा आपका, मेजर अगेन आपका पैरा वाला होगा, राइट। और इसको फिर हटाना है तो क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस H3O+, तो ये बाहर चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे NH2, तो हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर से, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम बना सकते हैं, डायरेक्टली करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी, इनडायरेक्ट वे में तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आप समझ सकते हो कि मैंने आपकी सारी ऑर्गेनिक की जो बेंजीन वाली रिएक्शन है उसको वन शॉट में एक जगह पे अंडर 20 मिनट में ख़त्म कर दिया।